भैया जगन्नाथ जी का पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम स्वागत करता है। भारत वर्ष का महान चौकीदार आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा प्रणाम। मैं पवित्र परिडा एक किसान होने के नाते मैं एक मछुआरा हूं, तो ये जो चुनाव का गर्माहट पर हम सब चौकीदार आपका साथ है और हम सब चौकीदार के आपको क्या उम्मीद है, हम उम्मीद करती हैं कि और एक बार बंदे बंदे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देखिए, आपने कहा है कि चुनाव में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इतनी बड़ी तादाद में आए, इतने उत्साह से भरे हुए हैं, और वो भी उड़ीसा जैसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग ताकतवर नहीं मानते थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं उड़ीसा हिंदुस्तान को सरप्राइज कर देगा। ये दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा, इस बार उड़ीसा दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा। मैं वहां जाके आया हूं पिछले दिनों, क्या लोगों का उत्साह उमंग है। देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनका संपर्क कीजिए आप, जिनको जीवन में पहली बार वोट देने का मौका मिला है। हमारे देश में बच्चा जब स्कूल जाता है पहली बार, तो आपने देखा वो घर के अंदर एक फेस्टिवल होता है, बड़ा उत्सव होता है, टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सब लोग उसको लेकर के स्कूल जाएंगे। गांव के अंदर भी, गरीब परिवार में भी, जैसे स्कूल जाना एक फेस्टिवल होता है, हमें हमारे देश में जो पहली बार मतदाता बनता है फेस्टिवल करना चाहिए। उमंग उत्साह उसका, क्योंकि वो देश का एक निर्णायक नागरिक बन रहा है, देश के निर्णयों में भागीदार बन रहा है। पहली बार मतदाता बनना यानी जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, एक बहुत बड़ी ताकत प्राप्त हुई है, ये उसको अनुभव कराना चाहिए। अगर मेरे सागे चौकीदार देश में फर्स्ट टाइम वोटर की प्रतिशत, किसको वोट दे वो उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि देश के फर्स्ट टाइम वोटर का मान सम्मान प्रतिष्ठा बननी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं उम्र के उस पड़ाव में पहुंचा हूं जहां मैं अब हिंदुस्तान के निर्णय करने का हकदार बन गया हूं। यह काम हम अवश्य करें। और दूसरा, एक तरफ जूट की फैक्ट्री चली है, रोज नए नए जूट प्रोडक्ट होते हैं, सत्य पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कीजिए। अब सत्य की जानकारी पानी है तो आप नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसमें आपको तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होती है, उस तथ्यात्मक जानकारी को आगे पहुंचाइए। आप देखिए, इस चुनाव के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन में आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तंदुरुस्त माहौल बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस काम को आप करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ उड़ीसा वासियों को जय जगन्नाथ।